जी फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू फ्यूजन किचन। आज हम आपके लिए बना रहे हैं अचारी पेठे की सब्जी। ये बहुत ही डिलीशियस होती है और इजीली भी बनती है। और वैसे तो पेठा लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपकी पेठे से दोस्ती भी हो जाएगी। तो आइए अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। अचारी पेठे की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने पेठा ली है। इसको हमने अच्छे से धो के छील के और इसके सारे बीज निकाल के हमने काट लिया है। और पेठे का आपने ध्यान रखना है कि ये पूरा पका हुआ पेठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब्जी में बहुत ही मिठास आ जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी सब्जी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जैसे ही ये जीरा स्प्लटर होने लगे हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। साथ ही हमने इसमें ये कुटी हुई अदरक डालनी है। एक मिनट करीब हम प्याज को सौते करेंगे। ये एक मिनट करीब हो चुका है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब साथ ही हमने जो ये पेठा है काटा हुआ था वो डाल देंगे सारे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब अचारी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें सौंफ डालेंगे। कलौंजी और यहाँ पे हमने मेथी दाना लिया। इसको हमने गर्म पानी में सोख करके रखा था थोड़ी देर ताकि ये फूल जाए, और ऐसे करने से इसका कड़वापन भी नहीं आता। तो ये हमने डाल दिया मेथी दाना भी। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें हमने टमाटर काटे हुए वो डाल देंगे। अब हमने इसमें रेड चिली पाउडर डालना है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप कम चिली डाल दीजिए। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और ये सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इससे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम सब्जी में। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। 2 मिनट करीब हो चुके हैं हमें ये पेठे को कुक करते हुए। ये आप देख सकते हैं पेठा गलना भी शुरू हो गया इस टाइम, और इसमें पानी भी बहुत होता है, ये अपने पानी में ही पकता है पेठा। अब हम फ्लेम लो करेंगे और इसको ढक के 10 मिनट के करीब इसको पकाएंगे, या जब तक पूरा पेठा गल नहीं जाता। तो हम इसे कवर कर देते हैं। अब 10 मिनट के लिए हम इसे कुक करते हैं। ये 10 मिनट करीब हो चुके हैं सब्जी को लो फ्लेम पे कुक होते हुए। अब हम चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया सब्जी में, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये पेठा हम चेक करते हैं। ये देखिए इजीली टूट रहा है पेठा, इजीली एकदम टूट रहा है। इसका मतलब ये गल गया अंदर से।
अब हम एक मैशर की सहायता से ये पेठे को मैश करेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़े थोड़े पीसेस बड़े भी बीच में रख सकते हैं। ये पेठे को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे बिना ढके 10 मिनट करीब फिर से कुक करेंगे। ये 10 मिनट करीब हो चुके हैं हमें सब्जी को लो फ्लेम पे कुक करते हुए। अब देख सकते हैं कि सारे जो फ्लेवर्स हैं अब अच्छे से पेठे में रच गए हैं। अब हमारी सब्जी इस टाइम बनकर एकदम तैयार है। पानी भी सारा सूख गया है और ऑयल भी आप देख सकते हैं साइड्स में आ गया है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसमें एक फाइनल हमने देसी घी का तड़का लगाना है, तो वो हम बनाते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ पे हमने देसी घी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। जैसे ये घी गर्म होता है हम इसमें जीरा डाल देंगे और जैसे ये जीरा क्रैकल होने लगे हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे। और ये तड़का हमने सब्जी में डालना है, तो अब हम ये तड़का इस पे डाल देते हैं। ये तड़का डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। तो इस टाइम ये सब्जी हमारी अचारी जो पेठे की सब्जी है वो बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसकी फाइनल प्लेटिंग करते हैं। तो हमारे अचारी पेठे की सब्जी इस टाइम बनकर एकदम तैयार है। ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। इसको आप गर्मा गर्म चपाती के साथ या प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं। ये आप जरूर ट्राई कीजिए। पेठा आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप ऐसे बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आप अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करिए। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक का बटन भी क्लिक कीजिए। थैंक यू।